हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम होली के लिए, खास होली के लिए हम बना रहे हैं गुड़ाची पूरन पोड़ी। तो इसके लिए मैंने जो चना दाल ली है तो इसे मैंने 6-7 घंटे भिगो के रखे हैं। तो अभी इसका पानी निकाल के आप डायरेक्ट कुकर में भी डाल सकते हो, पर मैं कुकर में डालती हूँ तो नीचे से वो जल जाता है, तो मैं डिब्बे में रखती हूँ। तो इसी तरह से मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। पहले इसका पानी पूरा निकाल देती हूँ, मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। तो इस तरह से अगर आप दाल भिगो के रखते हो तो ये जल्दी सॉफ्ट होती है और प्लस इसका टेस्ट भी बढ़िया सा लगता है और आपका टाइम भी बचता है। तो अभी इसमें पानी कितना डालना जगह, अगर आपका अच्छी तरह से भिगोई होगी तो इस तरह से आप पानी डाल सकते हो कि थोड़ा सा ये इस तरह से भीग जाए और प्लस थोड़ा सा और ऊपर, बस इतना ही। दूसरे में भी हम उतना ही डालेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और इसे हमें कलर के लिए डालते हैं थोड़ी हल्दी। वैसे तो एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं है डालने में। अभी थोड़ा डालते हैं घी। घी से उसका सुगंध तो बढ़िया सी आएगी पर टेस्ट एकदम बढ़िया सी आएगी। तो इसी तरह से मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, अभी इसे हम इस तरह से चला लेते हैं। ये देखिए, ये भीगने के बाद इतना पानी रहता है ना, बस उतना ही हम डालेंगे। ये देखिए, अभी इसे हम कुकर में शिफ्ट करते हैं। अगर आपको आमटी बनानी हो, इसे कड भी कहते हैं, कटाची आमटी, तो अगर बनाना है तो आप इसे पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए तो वो भी अच्छे से, वो जब हम बनाते हैं ना कटाची आमटी या आमटी इस तरह से, तो इसमें हम चने की दाल जो पूरन के लिए करते हैं ना, उसी में से हम उसका पानी और प्लस थोड़ी सी दाल निकाल के उसके आमटी बनाते हैं। एकदम स्पाइसी और ज़बरदस्त होती है पूरन पोली के साथ, हमकास वो बनाई जाती है। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ और इसे लगभग हम 4-5 सीटी करेंगे। देखिए, कुकर हमने चढ़ा दिया है स्लो टू मीडियम आँच, मीडियम आँच पर हमने किया है, तो उसमें 4-5 सीटी करेंगे। अभी हम आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी हमें आटा गूंदना है, तो मैंने 2 सेम मात्रा में आटे लिए हैं। एक गेहूं का आटा लिया है, उसी नाप से मैंने मैदा लिया है। चाहे तो आप मैदा ही या सिर्फ गेहूं के भी बना सकते हो। और इसको हम डालते हैं नमक। इसमें तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाए तो आपकी पूरन पोली कभी भी बिगड़ेगी नहीं, बढ़िया सी बनेगी इस तरह से। और पूरन अगर आपको ज़्यादा बना सकते हो तो आप फ्रिज में रखिए, तो ये 5-6 दिन इजीली चलता है, क्योंकि पूरन पोली डेली नहीं बनाते हैं ना। तो कभी कभी ये त्यौहार होगा या कुछ इस तरह से होगा तभी हम बनाते हैं, तो आप ज़्यादा बना के भी इसे एंजॉय कर सकते हो। तो अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो बना लेते हैं। ज़्यादा ढीला नहीं बनाएंगे डो, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि किस तरह से करना है। ये देखिए, मैदा थोड़ा डालने से क्या होता है, खिंचाव आता है, और पूरन पोली को हमका सो खिंचाव की ज़रूरत होती है। अगर आपके गेहूं में भी खिंचाव नहीं होगा ना, तो पूरन पोली आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरह से ही बनाना है, मैदा डाल दीजिए तो ये बढ़िया सी बनेगी। अभी देखिए, हमने जो आटा गूंथा है, ये देखिए थोड़ा सा सख्त है, इसे मैं 1/2 कप से भी पानी कम लगा है। तो अभी हम क्या करते हैं, लेंगे एक कॉटन का कपड़ा। ये देखिए, अगर वाइट होगा तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो जिसका कलर नहीं जाता है उसी में आपको लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से बना दिया है, रफली है ना, इसे मैंने मसला है कुछ नहीं, बस इस तरह से डाल दिया। इसकी बना दीजिए पोटली। ये देखिए, अभी इसे रखते हैं साइड पे। अभी लेते हैं बड़ा बर्तन और इसमें डाल देते हैं पानी। ये सबसे बड़ी ट्रिक है। ये देखिए, मैंने इतना पानी डाल दिया है। तो अभी हमने जो पोटली बनाई है ना, तो आप इस तरह से इसे कर दीजिए और इसे छोड़ दीजिए पानी में। ये देखिए, और मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। ये सबसे बड़ी ट्रिक है आटा बनाने की। अगर ये छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसे हम 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, इसे हम ढक देंगे।
देखिए चार बेसन में ये अच्छी तरह से सॉफ्ट बन गई है, ये देखिए तो इस तरह से बन गई है। तो अभी इसका हम पानी निकाल देते हैं। तो हमें एक बर्तन लेंगे, इसे हमें कट बनाने में काम आएगी, या फिर आमटी भी इसे कह सकते हो। जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा इसमें निकल जाएगा, ये देखिए इस तरह दबा दबा के निकाल देंगे। अभी इस तरह से मैं पूरा निकाल देती हूँ। देखिए इस तरह से हमने पानी निकाल दिया है ये कट करने के लिए, या फिर आमटी बनाने के लिए काम आएगा। तो इसे हम अभी मैशर से ही कर देते, इतनी सॉफ्ट है ना, तो बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त बन जाएगी। कोई इसे मिक्सर में घुमाने की या कुछ भी ज़रूरत नहीं है, एकदम बढ़िया से बन जाएगी। बस 2 मिनट आप इस तरह से कर दोगे तो भी ये बढ़िया से बन जाती। अभी मैंने ये 2 कटोरी भर के दाल ली थी, तो उतनी मैं 2 कटोरी भर के गुड़ ले रही हूँ। चाहे तो आप कम भी कर सकते हो, 1.5 कटोरी ले सकते हो। अब इसमें मैं गुड़ डाल दे रही हूँ। पहले नीचे प्रोसेस कर लेते हैं तो ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी, गुड़ मेल्ट होने में हमें आसानी होगी। ये देखिए मैंने 2 कटोरी भर के गुड़ डाल दिया है। अब इसे हम इस तरह से कर देते हैं। गुड़ के साथ दाल भी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, ये देखिए। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, और इसका कलर इसलिए कि ये मैंने देसी गुड़ लिया है। जो केमिकल वाला होता है वो यूज़ नहीं किया है, वो हानिकारक होता है। लगभग आप यही ट्राई कीजिए कि आप देसी गुड़ का यूज़ कीजिए। देखिए इसे अभी हम चलाते हुए पकाएंगे। बस इसे नीचे लगना नहीं चाहिए। इसी समय इसमें हम डाल देते हैं इलायची। अगर जायफल पसंद है तो आप जायफल भी इसमें डाल सकते हो। अभी वापस इसे हम चलाते हैं। छः मिनट के बाद इस तरह से उबलना स्टार्ट हो गया है, तो इसे आप संभालते कीजिए। ये देखिए अभी इसी तरह से हम चलाते हुए इसे पकाते हैं। लगभग 20 मिनट जैसे हो गए हैं, देखिए बिल्कुल भी ये जला नहीं है और ये गाढ़ा तुरंत हो गया है। तो भी 20 मिनट तो कम से कम चाहिए। ये देखिए इसको पहचानना है, तो इस तरह से आप जो भी चमचा या इस तरह से लेते हो ना, तो इसे इस तरह से खड़ा कर देना है बीच में। अगर ये थोड़ा भी गिरता है तो इसे आप कुछ सेकंड इसे पकाइए। ये देखिए अगर इस तरह से भी थोड़ा हो जाता है तब इसे हम 2 सेकंड जैसे पकाएंगे। बट अगर जो मैंने अभी हम किया है तो ये देखिए ये परफेक्ट खड़ा हो रहा है। ये देखिए मैं वापस इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ, और जो ये इसको लगा है वो पूरा निकाल दूंगी और वापस इसे हम ट्राई करते हैं। बस इसकी यही पहचान है कि आप इस तरह से इसे खड़ा कर दीजिए और ये खड़ा हो जाता है, तो मीन्स तो आपका पूरन है वो परफेक्ट होगा। ये देखिए बढ़िया तरीके से खड़ी हो गई है। तो गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ, और इसे हम थाली में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखिए ठंडा करने के लिए इस तरह से हमने निकाल लिया है। इसे पूरा ठंडा होने देंगे, नहीं तो क्या होगा पूरन पोली हमारी फट जाएगी। गर्म गर्म में हम इसे नहीं बना सकते, तो इसे हम ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं वापस बताऊंगी। अभी आटा है तो हम इसे पानी में से निकाल लेते हैं। पूरा इसे हम निचोड़ देंगे इस तरह से, जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। और अगर ज़्यादा ढीला हो गया तो इसमें हम मैदा यूज़ कर लेंगे। जितना निकलता है उतना हम निकाल देंगे। अभी हम पानी को हटा देते हैं।
और एक डिश लेंगे, उसमें हम निकाल देते हैं। देखो आटा जो है कितना स्टिकी हो गया है, और इसी तरह से हमें चाहिए। ये देखो मैं आपको इसे खींच के बताती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमें चाहिए। ये ऐसे खींचा जाता है ना, बस इसी तरह से चाहिए। तो इसमें डालते हैं हम ऑयल, और इसे हम अच्छी तरह से मसल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे आपको खींचना है और इसे लंबा करना है। ये देखिए मैं इस तरह से इसे बना देती हूँ, उसके बाद फिर से मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आप मुट्ठी से भी इसे मसल सकते हो, एकदम बढ़िया सा मसला जाएगा। ये देखिए मसल के आपको इस तरह से पटक, ये देखिए तो ये बढ़िया सा स्टिकी बनेगा। ये देखिए वापस थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसे वापस हम मसलेंगे। ये देखिए कितना स्टिकी हो गया है और ये स्मूथ भी हो गया है। ये देखिए आप जितना चाहो उतना खींच सकते हो, एकदम बढ़िया सा। अभी इसे हम गोला बना लेते हैं। अभी देखिए ये हमारा सॉफ्ट गोला बन गया है, तो इसमें से एक हम लोई तोड़ लेते हैं। ये देखिए इसे भी मसल देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से हमारा जो पूरन है वो भी ठंडा हो गया है, तो इसके भी हम एक गोला ले लेते हैं। आपको जितना भी चाहिए उतना आप आपके हिसाब से ले सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैसे पसंद है। ये देखिए देखिए हमने इस तरह से गोले ले लिया है, तो अभी पूरन का गोला हम रख देते हैं, और जो ये है जो आटा वाला है ना, वो इस तरह से जो साइड का होता है ना, वो हमें बड़ा करना है। ये देखिए इस तरह से जितना भी हो सकता है आप उतना कीजिए, पर अंदर से इसे थोड़ा मोटा ही रखिए क्योंकि ज़्यादा स्टिकी है ना। अब इस तरह से बना दिया है, तो इसे हम इस तरह से करते हैं और इसे अंगूठा की सहायता से इसे अंदर डालेंगे और इसे ऊपर करेंगे। स्लोली स्लोली करना है, एकदम आसानी से हो जाएगा। पूरा मैं ऊपर तक आपको बताती हूँ। ये देखिए चाहे तो आप हाथों को आटा लगा दीजिए, थोड़ा सा ऊपर का जो एक्स्ट्रा है वो निकाल देते हैं और इसे हम दबा देते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी मैंने लिया है पाटली, इस पे मैंने प्लास्टिक इसलिए लगाया क्योंकि ये स्टिकी है ना, तो इसलिए ये, और मेरे पास जो पाटली है वो लकड़ी की है तो इसे चिपक जाएगा। इस तरह से करके हम एक पहले इसे हाथों से इस तरह से फैला देते हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। आपको बेलने में भी आसानी होगी, मीन्स जो हमने पूरन भरा है ना वो सब जगह अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। बस आप इसे सेंटर पे रखिए और पोलपाट को घुमाइए, और जो कॉर्नर है ना कॉर्नर ही आपको इसे करना है। आपको छोटी बड़ी जैसे भी चाहिए आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने प्लास्टिक डाला है, मीन्स से चिपकने का कोई सवाल ही नहीं है। ये देखिए
मैंने तवा भी स्लो आँच पे रख दिया है और बेलन आपको बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। किसी के घर में पतली रोटी पूरन पोली अच्छी लगती है, किसी को मोटी अच्छी लगती है, तो आपके घर में जैसे भी खाते हैं उसी हिसाब से आपको बनाना है। ये देखिए मैंने ना ज़्यादा पतली बनाई है ना ज़्यादा मोटी बनाई है, एकदम मीडियम साइज की बनाई है। तो अभी चलते हैं हम गैस की तरफ। तो ये देखिए इस पे अभी हम डाल देते हैं, ये देखो इसे एक साइड से हम होने देते हैं, तब तक हम दूसरे बेल लेते हैं। देखिए थोड़े से बबल्स दिखने लगे हैं तो इसे हम पलटा देते हैं, ये देखिए, और इसे हम दूसरी साइड से भी होने देते हैं। अभी जो पलटाई है उस साइड में हम घी लगाते हैं। अभी जो घी लगाई है वो साइड हम नीचे करते हैं, ये देखिए, और जो साइड पे हमें बाकी है उस पर हम घी लगा देते हैं। दोनों तरफ से हम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक अच्छी तरह से सेकेंगे, तभी ये बढ़िया सी आएगी। ये देखिए दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से ब्राउन होने के सेकना है, तो ये ब्राउन थोड़ी हो जाती है ना तो और भी बढ़िया सा टेस्ट आता है इसका। अभी ये हो गए हैं तो इसे निकाल देते हैं और हम दूसरी डालेंगे। अभी दूसरी भी हम इस तरह से सेक लेते हैं, ये देखिए दूसरी भी हमारी होने को आई है। मस्त, अभी इसे भी हम निकाल लेते हैं, देखिए एकदम मस्त फुली फुली हो गई। देखिए मैंने बनाई मस्त पूरन पोड़ी गर्मा गर्म गुड़ाची पूरन पोड़ी। तो ये देखिए इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद है तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए वाह कितनी बढ़िया सी है, और इसमें आप घी डालिए मस्त। पूरन पोली में जितना भी घी डालो उतना कमी होता है, एकदम बढ़िया सी लगती है। ये देखिए वाह गर्मा गर्म पूरन पोली इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, एकदम मस्त। ये देखिए क्या बात है, भरपूर घी के साथ पूरन पोली एंजॉय कीजिए मस्त। ये देखिए इस तरह से बनाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी होली।